गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग का है वीडियो क्लिप नंबर 72 इंग्लिश फ्रॉम जीरो टू एडवांस का। तो देखिए ये एक सीरीज है इंग्लिश फ्रॉम जीरो टू एडवांस, और जहां पर वीडियो क्लिप वाइज चल रहे हैं, और इसके पहले 71 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं इंग्लिश फ्रॉम जीरो टू एडवांस के नाम से प्लेलिस्ट है। आज हम लोग का 72 है, और जिसमें हम लोग करने वाले हैं टेंस। जैसा कि इसके पहले जितना भी बेसिक हो सका काफी कुछ कवर हुआ है ना, रीडिंग प्रैक्टिस हुई, प्रोनंसिएशन, नाम कैसे लिखते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग। अब यहाँ पर बारी आती है टेंस की, क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं फिर। यहाँ पर टेंस है आपका। तो देखिए अगर टेंस की बात करें तो टेंस बताता क्या है। तो देखिए टेंस जो होता है ये वर्ब के एक्शन के बारे में बताता है, क्लियर है? टेंस क्या बताता है? वर्ब के एक्शन के बारे में, है ना, एक्शन के टाइमिंग के बारे में बताता है, एक्शन के टाइमिंग के बारे में बताता है ये, क्लियर है? अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो वर्ब होता है, वर्ब का मतलब समझ रहे हैं, ऐसा शब्द है ना जिससे सब्जेक्ट के एक्शन का पता चलता है। जैसे राम स्कूल जाता है, तो यहां राम का कौन सा एक्शन है, जाने का, क्लियर है? मैं बोलता हूं, मेरा कौन सा एक्शन है, बोलने का, है ना? तो वही जो वर्ब के एक्शन का मतलब होता है काम, कौन सा काम, रोना, खाना, सोना, पाना, पीना, है ना, गाना, नाचना, ये सारा क्या है, एक्ट ही तो है, काम ही तो है। तो जो वर्ब के एक्शन के टाइमिंग के बारे में बताता, अब ये टाइमिंग के बारे का मतलब ये हुआ, जैसे मैं कहूं मैं स्कूल जा रहा हूं तो मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं मैं कंचा खेलता था, तो अभी देखो मैं पुराने टाइम की बात कर रहा हूं, पास्ट, अपने बचपन के टाइम की बात कर रहा हूं, क्लियर है? जैसे आप कह रहे हो मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो आप अभी नहीं डॉक्टर हो, आप डॉक्टर थे नहीं, आप कह रहे हो आने वाले समय में, यानी कि फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, डॉक्टर बनूंगा। तो यहां पर देखिए टाइमिंग के बारे में बात हुआ है। अब टाइमिंग का मतलब अगर देखें तो भाई टाइमिंग, टाइम तीन तरह का होता है। एक तो प्रेजेंट टाइम की अगर बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम की, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट में मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, क्लियर है? तो ये प्रेजेंट टाइम है। तो टाइमिंग की बात करें तो एक होता है आपका प्रेजेंट टाइम, क्लियर है, और एक ऐसा टाइम होता है जो कि बीत गया है, क्लियर है, एक ऐसा टाइम है जो कि बीत गया है, क्लियर है। जैसे आप कह रहे हो मैं स्कूल गया था, तो मतलब जैसे आप कल की बात करो, कल मैं स्कूल गया, तो मतलब ये बीत गया है ना टाइम, तो जो बीत गया टाइम है उसे कहते हैं पास्ट टाइम। और एक ऐसा टाइम है जो कि ना तो चल रहा है ना तो बीता है, बल्कि आने वाला है, है ना, बल्कि वो क्या है, आने वाला। आदमी कहते हैं ना फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा, तो ऐसा टाइम क्या टाइम है, फ्यूचर टाइम, यानी कि आने वाला समय। तो टाइमिंग कितने तरह का हुआ, अगर बेसिक रूप से देखा जाए तो भाई तीन ही तरह का होता है, या तो प्रेजेंट टाइम, अभी जो चल रहा है ना, प्रेजेंट टाइम का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट टाइम का मतलब है जो चल रहा है, ऐसा टाइम जो कि चल रहा है, या तो पास्ट टाइम, तो पास्ट टाइम का मतलब क्या हुआ, जो समय बीत गया है ना, पास्ट टाइम का मतलब जो समय बीत गया, हाँ जो बीत गया है, ऐसा टाइम जो कि बीत चुका है, है ना। और यहाँ फ्यूचर टाइम का मतलब क्या हुआ, जो आएगा, यानी कि आने वाला, क्लियर है, आने वाला समय, क्लियर है। तो ये तीन तरह का टाइम होता है। अच्छा ये बताओ यहां तक समझ में आया? तो इस बेस पर अगर देखा जाए, चूंकि टेंस जो है वर्ब के एक्शन के टाइमिंग को बताता है, क्लियर है, तो टेंस जो है आपका तीन तरह का होता है, याद रखना। अगर बेसिक रूप से बात करें तो टेंस कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है, है ना, जिसमें प्रेजेंट टाइम को शो हो, प्रेजेंट टाइम हो, वो होता है आपका प्रेजेंट टेंस,
क्लियर है, वो क्या होता है आपका प्रेजेंट टेंस, जो कि प्रेजेंट टाइम के बारे में बताए, और जो टाइम भाई बीत गया है ना पास्ट टाइम, तो ऐसा टेंस जो कि बीते हुए समय के बारे में बताए, क्लियर है, वो टेंस होता है पास्ट टेंस। वो क्या होता है आपका पास्ट टेंस। तो पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा जो है वो क्या है ऐसा टेंस जो कि फ्यूचर टाइम आने वाले समय के बारे में बताए। वो क्या होता है आपका फ्यूचर टेंस होता है जो फ्यूचर टाइम के बारे में बताए। तो तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस है। आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना? यस सर, क्लियर है। टेंस आपका तीन तरह का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा क्या है फ्यूचर टेंस। और टाइम की बात करें तो ठीक है, टाइम के ही बेस पर तो टेंस आया, क्लियर है। अब देखो, अब यहां पर आपको क्या याद रखना है, इन तीनों टेंस की एक विशेषता है ना, इन तीनों टेंस में चार काइंड होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस भी चार तरह का होता है, पास्ट टेंस भी चार तरह का होता है, और फ्यूचर टेंस भी चार तरह का होता है। और वो चार कौन है, देखिए यहां ध्यान देना, वो चार कौन है, वो है पहला जो है इनडिफिनिट टेंस है। ध्यान से समझना, पहला कौन सा टेंस है, इनडिफिनिट टेंस है, क्लियर है। अब प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस, पास्ट में बात करें तो पास्ट इनडिफिनिट टेंस, और फ्यूचर में बात करें तो क्या भैया फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस, क्लियर है। अच्छा, दूसरा टेंस है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा टेंस क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर की बात करें तो क्या हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। समझे इतना। और जो तीसरा टेंस है वो क्या है, तीसरा टेंस है आपका वो है परफेक्ट टेंस। तीसरा टेंस क्या है, परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्लियर है। अच्छा, जो चौथा टेंस है आपका वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दिख रहा है ना? यस सर। हाँ यस सर, दिख रहा है। देखिए, चौथा टेंस बात करें तो वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। अब प्रेजेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर मैं कहूं प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का होता है, कौन कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप क्या बताओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या बताओगे, नमस्ते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या बताओगे, बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या बताओगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्लियर है। अगर मैं बात करूं पास्ट टेंस चार तरह का होता है, कौन कौन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस याद रहेगा। हाँ, यहां पहला हो जाएगा, हम पास्ट को पी ए लिख रहे हैं, जैसे प्रेजेंट को पी आर, है ना, पास्ट को पी ए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या होता है, क्या बताओगे दूसरा, बोलो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तीसरा क्या बताओगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या बताओगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ पाए कि नहीं इतना, बोलो, क्लियर है। यहां पर जैसे आपने प्रेजेंट के केस में बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वैसे पास्ट के भी केस में बता दो ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यही चारों रहेगा, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, और लास्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर टेंस भी चार तरह का है, क्या बताओगे यहां पर, फ्यूचर
इनडिफिनिट टेंस, दूसरा क्या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा क्या बताओगे फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या बताओगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया, क्लियर है? अब एक बार मेरे साथ बोलोगे, देखो टेंस क्या बताता है, किसके टाइमिंग के बारे में बताता है, वर्ब के एक्शन के टाइमिंग के बारे में। टेंस किसके टाइमिंग के बारे में बताता है, वर्ब के एक्शन के टाइमिंग के बारे में बताता है। टाइमिंग कितने तरह का होता है, टाइम तीन तरह का होता है, प्रेजेंट टाइम मतलब जो समय चल रहा है, पास्ट टाइम मतलब जो समय बीत गया है, और फ्यूचर टाइम मतलब जो आने वाला, जो समय आएगा, है ना, समझे? अब टाइम के बेस पर टेंस मेन रूप से कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का। कौन सा? प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट टाइम के बारे में बताए, पास्ट टेंस जो बीते हुए हाँ बिल्कुल सही, पास्ट टेंस जो कि बीते हुए काम के बारे में बताए या पास्ट टाइम के बारे में बताए, और फ्यूचर टेंस जो कि आने वाले समय के बारे में बताए। क्लियर है? अब इन तीनों के चार चार भेद हैं, चार है। पहले ओवरऑल देख लेते हैं, पहला क्या है इंडिफिनिट टेंस, दूसरा क्या है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा क्या है परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट के केस में प्रेजेंट टेंस चार तरह का, नाम क्या है प्रेजेंट, हाँ बोलो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ पाए इतना? चलो अब इसके बाद में अगर बात करूं, पास्ट टेंस चार तरह का होता है, नाम बताओ जरा सा, पास्ट इसी में पास्ट लगा दो ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आया? yes, अच्छा फ्यूचर टेंस चार तरह का होगा, तो चलो बताते हैं। फ्यूचर टेंस में पहला क्या हो जाएगा फ्यूचर, अब यही चार रहेगा, इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बस फ्यूचर सब में लगा देना। क्या हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आया? क्लियर है? तो यहां से ओवरऑल टेंस कितने प्रकार का है, 12 प्रकार का, लेकिन मेन रूप से कितना है, चार, तीन है, मेन रूप से तीन है, इन तीनों के चार चार है। कौन है? इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप ये समझ में आया। तो वीडियो क्लिप 72 में इतना ही, फिर इसके बाद मिलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को लेकर, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। क्लियर है? इसे लिखिए।